लूकाश्वर तीसरा बाब उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। मैं जल्द आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। जो गालिब है मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, जिसके कान हो वो सुने के रू कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के पाक कलाम का बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। तशरीफ रखें। आज बेशक आज मदर्स डे है, लेकिन मैं बारहा ये कह चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि हम साल में एक मरतबा ही मदर्स डे मनाएं या फादर्स डे मनाएं, बल्कि हर रोज ये दिन जो है इसको हमें मनाना है। आमीन। ये बाहर के लोगों के काम है जो साल हर साल या पूरे साल में कभी अपने मां बाप को मिले ही नहीं, तो उन्होंने कहा भी चलो साल के एक दिन रख लिए, जाके मां को मिल लिए, जाके प्यो को मिल लिए। तो शुक्र है खुदा का हम इस कल्चर में हैं जहां पर हम हर रोज मां बाप के साथ मिलते हैं, और ऐसा ही हमें करते रहना है। सो आज जो बात मैं आपसे शेयर करने लगा हूं वो ये है यीशु मसीह ने सात कलीसियाओं को खत लिखे, और ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया को खत लिखा गया। फिलाडेल्फिया का मतलब है बरादराना मोहब्बत, और इस कलीसिया को खत लिखने वाला जो है वो यीशु मसीह खुद है, और यीशु मसीह ने अपना तारुफ भी बयान किया। सातवीं आयत के अंदर लिखा, जो कद्दूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं, वो ये फरमाता है, वो ये फरमाता है। हमने पिछले बार इबादत का एक आखिरी गीत हमने गाया था, किसी को याद है? इबादत का आखिरी गीत हमने पिछले बार गाया था, है ना? तेरे कलाम दी गल्ला तो किसी का आखिरी गीत हमने ये गाया था, फतेह हमें बनाता है रबुल अफवाज का नाम, सर पे ताज सजाता है रबुल अफवाज का नाम। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि कोई तेरा ताज ना छीन ले। क्या है? कोई तेरा ताज ना छीन ले। इसका मतलब है ये
कहा कलीसिया को जिसके लिए ताज है, और ये इसलिए कहा कि ताज कोई छीन सकता है या वो शख्स ताज से महरूम हो सकता है। समझ आ गया? इसलिए यीशु ने कहा ना कि कोई तेरा ताज ना छीन ले। इसका मतलब है कि कोई छीन सकता है या हमें उस ताज से, उस अजर से, उस बरकत से हमें कोई महरूम कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा कि कोई तेरा ताज ना छीन ले। यीशु मसीह ने बेशक कलीसिया की कमजोरियों का जिक्र किया कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हर शख्स उसके सामने खुली किताब की मानद है। हर एक शख्स को वो देखता और जानता है, और उसके कामों को जो वो करता है वो सब उसको पता है। और अब ये सब काम जब उसको पता है तो फिर यीशु मसीह ने ये कहा मैं जल्द आने वाला हूं। मैं जल्द आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कोई तेरा ताज न छीन ले। यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आमद का भी यहां पर जिक्र किया। कलीसिया जो दुल्हन है दूल्हे की, और ये जो दुल्हन है अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है, और ये इंतजार इस कलीसिया को बड़ी जानपहचानी से करना है, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा दूल्हा जो है वो जल्द आने वाला है और वो अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए कलीसिया को, दुल्हन को उसका इंतजार करना है, और वो अपने कहने के मुताबिक काम करता है, क्योंकि उसके वादे हाँ के साथ है। और जब उसने ये कहा है तो वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए जरूर आएगा। इसलिए जब हम इस बात को सुन रहे हैं तो हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि दुल्हा जो है खुदावंद यीशु मसीह वो जरूर आएगा। आमीन। उसने जरूर आना है, लेकिन हमें होशियारी के साथ, जानपहचानी के साथ उसका इंतजार करना है। दस कुमारियां जो है उनमें हम पढ़ते हैं कि पांच क्या है, अकलमंद है, और पांच बेवकूफ है। लेकिन मैं इसको पढ़ रहा था, बेशक उनमें पांच अकलमंद, पांच बेवकूफ है, लेकिन वो दस की दस कुमारियां सो गए, दस ही सुतियां रही। है पांच बेवकूफ सर, पांच अकल
मत सर, लेकिन सौ दस ही गई है सर। मैं ग्रहस को पढ़ूंगा, मुकदस मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखाई इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 5वीं आयत लिखा है। अगर ऊपर को मैंने कहा वो हमने सुन लिया पढ़ लिया, लेकिन 5वीं आयत को अगर मैं आपके साथ शेयर करने लगा, और जब दुल्हा ने देर लगाई, क्या किया दुल्हा ने देर लगाई, तो सब बाजे ने बेवकूफ नहीं अकलमंद नहीं दस या दस ही लिखा है, तो सब उंगने लगी और सो गए दस या दस चौ सारे गए सर। कुपिया च तेल है सी या नहीं सी वह अलग बात है, लेकिन सो गई दस की दस कवारियां सो गई। क्यों? वो इंतजार कर रही है दूल्हे का, उसके इस्तकबाल का इंतजार कर रही है। हमने उसका इस्तकबाल करना है और वो दस कवारियां इंतजार में है, लेकिन दूल्हा ने क्या किया देर लगाई और उस देर की वजह से वो दस की दस कवारियां खराबे मारने लगे। लेकिन दस की दस कवारियां लिखा है ओंगने लगी, क्योंकि दुल्हा ने देर लगाई। यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, और तकरीबन 2000 साल गुजर गए, उसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, और कलीसिया उसका इंतजार कर रही है, और सुस्त भी ते होशियार भी अकलमंद ते बेवकूफ भी सब दी सब सुतियां अज, क्योंकि इंतजार लंबा हो गया ना, 2000 साल गुजर गए, सब सो रहे हैं, क्योंकि इंतजार करते करते शायद थक गए। इंतजार है उसके कहे पर सबका ईमान है, जो बेवकूफ है उनका भी ईमान है कि दूल्हे ने आना, जो अकलमंद है उनका भी ईमान है कि दूल्हे ने आना, इसलिए वो सब के सब इस्तकबाल पर निकले, लेकिन सौ सब गई। इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है, इंतजार करना बहुत मुश्किल काम है, और वो सो गई। लेकिन ये जो यीशु मसीह ने देर की है वो जल्द क्यों नहीं आ रहा, इसको भी हमें समझना है कि वो क्यों नहीं आ रहा। जो मुकद्दस पत्रस रसूल अपने दूसरे खत के अंदर तीसरे बाप की 9वीं आयत के अंदर वो लिखते हैं, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। हाँ जी, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। देर हो रही है, हम समझ रहे हैं कि देर हो रही है, लेकिन वो अपने वादे में देर नहीं कर रहा। क्यों? जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में सबके बारे में जितनी कवारियां हैं जितनी कलीसियां हैं सबके बारे में वो तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यह चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये उसके ना आने का सबब है। अगर वो आ गया तो फिर जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया वो अपनी हलाकत में जाएंगे, और जब दरवाजा बंद हो जाना है तो हमने मुकाशवा के अंदर ये पढ़ लिया है कि उसके बंद किए हुए को कोई खोल
वो बाहर ही रेडी, वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर ईमान लाए, उसको अपना खुदावंद कबूल करें, खुशखबरी को कबूल करें और वो उसके साथ बादशाही में शरीक हो। वो ये चाहता है। अगर वो आ गया तो फिर कोई चारा नहीं, कोई और रास्ता नहीं कि कोई अंदर जा सके। इसलिए वो तहम्मुल करके ठहरा है और कलीसिया को उसका इंतजार करना है। जो खुशहाली के साथ, बेदारी के साथ उसका इंतजार करना है। अगर ऐसा ना किया तो फिर क्या होगा? लुकाशो सोलह में आपकी पंद्रहवीं आय लिखा, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है। कौन मुबारक? तो जागता है। उसने कहा मेरे आने का कोई पता ही नहीं है। अगर किसी को पता हो कि चोर ने कब आना है तो वो कभी ना सोए। यीशु मसीह ने खुद कहा, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा न फिरे और लोग उसकी बरहंगी को न देखे। मुबारक वो है जो जागता है। हमें नहीं पता कि वो कब आ जाए, इसलिए हमें जागते हुए उसका इंतजार करना है। बेशक उसने आना है और जब वो आएगा तो जो जाग रहे हो तो मुबारक है, वो उसके साथ अंदर जाएंगे। लेकिन जो सोते रह गए, जिन्होंने तैयारी ना की, वो फिर अंदर नहीं जा सकेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जल्द आने वाला हूं और कलीसिया को अपने दुल्हे का इंतजार करना है, दुल्हन को दुल्हे का इंतजार करना है, जो खुशहाली के साथ, बेदारी के साथ जागते हुए, ना जाने वो कब आ जाए। चोर की तरह यीशु मसीह ने कहा, चोर की तरह तो हमें नहीं पता कब वो आ जाए, तो हमें उसके लिए क्या होना है? तैयार होना है। और अगर वो देर कर रहा है, हम समझ रहे हैं जैसे पत्रस के खत में लिखा, बाज लोग समझते हैं कि देर हो रही है, तो ये जो उसके देर होने की वजह है, ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, कि वो यीशु मसीह को कबूल कर ले और वो कबूल करके वो बादशाही में दाखिल हो सके, दूल्हे के साथ जश्न में शामिल हो सके। ये उनके लिए फायदेमंद है। और बाज लोग ये कहते हैं कि ये जो वक्त है, ये वक्त उनके लिए शायद निजात का सबब बन सकता है। अगर उन्होंने इस वक्त को अवेल कर लिया तो ये वक्त उनके लिए निजात का बायस बन सकता है। ये वक्त जो यीशु मसीह के आने में है, ये वक्त उनकी निजात का वक्त है। यही वक्त निजात का वक्त है और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, ताकि वो कबूल करके निजात पावे। और जिन्होंने कबूल कर लिया है वो सोए ना, वो ऊंगे ना, बल्कि होशियारी और बेदारी से उसका इंतजार करें। क्योंकि उसने कहा है मैं जल्द आने वाला हूं। फिर दूसरी बात, यीशु मसीह ने यह कहा
जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, उसे क्या कर थामे रह, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। कभी कभी असि होर चीजा के लालच पै के जो कुछ साढ़े कोल होंगे ना वो भी असि खो पाए, वो भी चला जाता। बहुत सारों के हालात आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन्होंने साधा के चक्कर चो जो कोल से वह भी गवा लिया, लालच करके, गुनाह में पढ़कर, हरामकारी में पढ़कर, नापाकी में पढ़कर, जो कुछ उनके पास था वो भी गवाते थे। लालच, जिस कुत्ते के पास हड्डी थी, जब उसने पानी में देखा कि एक और कुत्ता है जिसके पास हड्डी है, उसने अपने ही अक्स को देखा और वो देखो खोल लगा तो अपनी हड्डी भी गवा बैठा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, लालच नहीं करना, हरामकारी नहीं करनी, नापाकी नहीं करनी, गुनाह में नहीं पड़ना, ताकि जो कुछ तेरे पास है वो भी चाहता न रहे। हमें जो कुछ मिला है ना उसकी फिक्र करनी है, जो कुछ हमारे पास है उसको संभालना है, ताकि कोई वो जो हमारे पास है वही ना ले ले। और ये यीशु मसीह ने खुद कहा है, और मैं इफिसियों के खत में से इस बात को पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका पांचवां बाब, उसकी तीसरी आयत से पांचवी आयत तक। हम दूसरी बात क्या सीख रहे हैं? जो कुछ तेरे पास है, हाँ जी, हाँ जी, क्या सीख रहे हैं? जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। तो कैसे वो हमसे जो हमारे पास है वो हम खो सकते हैं, उसको गवा सकते हैं? पांचवा बात और उसकी तीसरी हाल से, और जैसा कि मुकदसों को मुनासिब है, तुमने हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। है ना, हरामकारी, नापाकी और लालच का जिक्र भी नहीं होना चाहिएगा, और ना बेशर्मी और बेहूदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। आमीन। किसी लालची, हरामकार और नापाक की यीशु मसीह के हां उसकी बादशाही में कोई मिरास नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रह। ये ना हो कि इन कामों में पढ़कर तू उस मिरास को खो बैठे। इन कामों में पढ़कर जो कुछ तेरे पास है उसको गवा बैठे। लालच, हरामकार, नापाक, वो यीशु मसीह के साथ बादशाही में मिरास नहीं पाएंगे। तीसरी बात, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जब ये काम होंगे ना तो फिर क्या होगा? जो कुछ हमारे पास है वो भी जाता रहेगा, तो ताज भी साढ़े को लाया जाएगा या सामने को महरूम कर दिया जाएगा कि चलो भाई बस। पिछले दिनों में चार्ल्स जो है वो इंग्लैंड का बादशाह बना और उसके सर पर ताज रखा गया।
ये ताज उसके सर पर रख दिया गया है। और मैं बड़ा इसके ऊपर पढ़ रहा था, बड़ी मैंने स्टडी की, बादशाह होने के बावजूद कुछ ऐसे लॉज हैं, रूल्स हैं, अगर वो बादशाह को सख्ती से उन पर अमल दरामद करना है, अपनाना है, खुद वो अमल करेगा उन पर। लेकिन कई कानून ऐसे हैं जिनमें जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आजादी देता है, लेकिन अब ताज उसके सर पर रख दिया गया है। अगर उससे पहले कोई ऐसा काम या कोई ऐसी हरकत करता तो वो इस ताज से महरूम हो सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने यह कहा, कोई तेरा ताज ना छीन ले। दूसरा तिमोथियस उसका चौथा भाग, हर वो शख्स जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल करता है वो इस ताज का हकदार है, उसको मिलेगा। दूसरा तिमोथियस चौथा भाग और उसकी आठवीं आयत, गौर से सुने जरा, लिखा है आइंदा के लिए मेरे वास्ते राष्ट्रवाजी का वो ताज रखा हुआ है। सुने जरा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते राष्ट्रवाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदर मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके जहूर के आरजूमंद है। आमीन। परमेश्वर ने कहा अपने रूहानी फरजान को कि वो सिर्फ मुझे नहीं देगा ये ताज बल्कि उन सब को देगा, उस सारी कलीसिया को देगा, उन सारे ईमानदारों को देगा जो उस पर ईमान लाकर उसके आने के मंतजर है, उन सब को वो ताज देगा। लेकिन ये ताज जो हमें मिलने को है ये कोई ताज हमसे छीन भी सकता है, इस ताज से हमें कोई महरूम भी कर सकता है, ये याद रखें। बास लोगों का ख्याल है, बास कलीसियाएं जो है वो तालीम देती है, तो क्या भी एक बार तुझे तौबा कर ले या मसीही खानदान जो तुम पैदा हो गए तो तुम कोई भी उतो बाहर नहीं कर सकता, गलत तालीम। तो कहते हैं जो मर्जी करो तुम्हारी निजात को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यही काम होता तो यीशु मसीह क्यों कहते हैं कलीसिया को क्यों लिखते हैं के जो कुछ तेरे पास है थम है ताकि कोई तेरा ताज छीन ना ले। अगर कोई छीन ना सकता तो यीशु मसीह को कहने की क्या जरूरत है, कहा जाओ और जो मर्जी करो यासी करो तो कोई थोड़े को ये ताज ला नहीं सकता। पर तुम ईमान कबूल कर लिया जो मर्जी तुम अपनी जिंदगी बसर कर सकते। लेकिन हमने इफिसियों के खत के अंदर पढ़ा है कि हरामकारी लालच और नापाकी जो है वो यीशु मसीह की निराश से हमें महरूम कर देगी, उसकी बादशाही में हम उस निराश से महरूम हो जाएंगे। बेशक हमने तौबा कर ली, यीशु पर ईमान ले, शमशून का साउल का दाऊद का क्या हाल हो गया जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी कर दी, उसके हुक्म को रद्द कर दिया, क्या हो गया, खुदा ने उनको छोड़ दिया, रद्द कर दिया, वो महरूम हो गए अपने कामों के सबब से,
आज भी ईमानदार महरूम हो सकते हैं अगर वो अपने गलत कामों से बाज न आए। इसलिए यीशु मसीह का कोई तरह ताज ना छीन ले। फिक्र करनी है इस ताज की, इस इज्जत अफजाई की जो हमें मिलने को है, इसकी फिक्र करनी है, नहीं तो फिर हम ताज से महरूम हो जाएंगे। मुकद्दस याकूब अपने खत के अंदर हमें आजमाइशों के अंदर, हमें बीमारियों के अंदर, हमें मुसीबतों के अंदर, हमें परेशानियों के अंदर कायम रहना है। अगर हम इन हालात में भी हम फिर गए, यीशु का इनकार कर दिया, तो भी हम ताज से महरूम हो जाएंगे। पहला बात और उसकी बार नहीं आई। मुकद्दस याकूब रसूल का आम खत, उसका पहला बात और उसकी बार नहीं आई। गौर से सुने जा रहा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। आमीन। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। और अगर वो उस आजमाइश में कायम न रहा तो फिर इस जिंदगी के ताज से महरूम हो जाएगा। किसी की सिफारिश कुछ नहीं करनी। अब तुम देखते हो ना साडे तारीख के अंदर जिन्हें भी उन्होंने ला दिता, फिर बड़ा जोर मारते ने, फिर सू वापस को बिठा दे, फिर मुश्किल हो जाता है। शायद उन्होंने फिर भी कितने चांस मानते, लेकिन इतने कोई चांस नहीं है। खुदा के साथ किसी की तरफदारी नहीं है। जो कुछ उसने कह दिया है उस पर हमें अमल करना है ताकि हम उस जिंदगी के ताज को हासिल करें। हर तरह के हालात के अंदर, आजमाइश, मुसीबत, बीमारी, परेशानी में भी हमें कायम रहना है ताकि उस जिंदगी के ताज को हासिल करें जो उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार किया है। विकास का दूसरा बार और उसकी दसवीं आयत के अंदर सुमरना की कलीसिया को भी यही कहा गया, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। मैं कभी कभी असि दुखा के जो पैने ना तो शायद असी खौफ ज्यादा भी हो जाने, घबरा भी जाने। जैसे पिछले बार हमने कलाम सुना था ना, पत्रस ने क्या कहा, हैं खुदावन हमें बचा। ऐसे हालात आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हालात हमें दुखी कर देते हैं और शायद हम कुर्बे लग जाते हैं। जैसे बनी इसराइल बियाबान में कुरते रहे, खुदा को बुरा भला कहते रहे, मूसा के खिलाफ बातें करते रहे, यही हाल दसवीं के अंदर, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अपलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। कदों का जान दे,
जान देने तक वफादारी करें। ये जो दुखों का अरसा है ना, ये थोड़ा है, 10 दिन। 10 दिन का मतलब है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े दिन ने जो सा दुखा ने मुसीबत हो सकती है, लेकिन फिर खुदा हमें तो हाल करेगा। उसने कहा जब तू दुखों में से गुजरे खौफ ना करना, क्योंकि ये जो आजमाइश है, ये जो मुसीबत है, ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, तेरे सर पर उस ताज को मैं रखूंगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो फिर इसका मतलब है कि तू ताज से महरूम हो जाएगा, कोई तेरा ताज तुझसे छीन लेगा, फिर उसको मिल जाएगा जिसने ताबेदारी की है, उसको मिल जाएगा जिसने वफादारी की है, उसको मिल जाएगा जो इन सारे हालात में काम रहा, जो हरामकारी से, नपाकी से, लालच से दूर रहा, जो दुख में, मुसीबत में, बीमारी में वफादार रहा, उसको जिंदगी का ताज पहनाया जाएगा। हमें वफादार रहना है, ताबेदार रहना है, और इन सारे हालात के अंदर कायम रहना है, और जो कुछ हमारे पास है उसको थामे रहना है, उसकी फिक्र करनी है। और हम जब कायम रहेंगे तो फिर उस ताज को भी हासिल कर पाएंगे। आमीन। अगर ऐसा ना किया तो फिर ताज नहीं मिलना, फिर उसकी बादशाही में मिराज नहीं मिलनी, अचल नहीं है, फिर उन्होंने दरवाजा भी गिड़गिड़ाने, असी भी कुमारियां हैं, हम भी कुमारियां हैं, हम भी ईमानदार थे, हम भी तेरा इंतजार कर रहे थे, हमारे लिए दरवाजा खोल दे, लेकिन उसने कहना कि मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, हम सब कुछ जानते समझते हुए भी अगर हम इससे महरूम रह जाते हैं तो ये हमारी बेवकूफी होगी, और हमें उसके आने का इंतजार करना, उसने कहा मैं जल्द आने वाला हूं, उसका इंतजार करना है, ताबेदारी, फर्मा बदारी में सारे हालात के अंदर, और जब वो आएगा तो वो फिर हमें कहेगा ऐ बाप के मुबारक लोगों, उस विरास को हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। आमीन। उस विरास को अगर हम ताबेदारी के साथ जिंदगी बसर करेंगे, इन सारे हालात के अंदर फर्मा बरदारी करेंगे, हरामकारी, लालच से, नापाकी से दूर रहेंगे, तो फिर हम उस विरास के वारिस भी बनेंगे और वो ताज भी हमारे सरों पर सजाया जाएगा। आमीन। मैं पढ़ रहा था, मैंने क्योंकि बड़ी इस पर स्टडी की, मैं पढ़ रहा था कि ये जो ताज चार्ल्स के सर पर रखा गया ना, उसको फिट करने के लिए भी उन्होंने पहले उसको उस पर काम किया, साइज फिट करो, क्योंकि मलका का सिर फर्क सी, तो फर्क है सिर का साइज बनाने लिए उन्होंने बिल्कुल पहला दिता सुनारिया, उन्होंने फिट करके सिर के उत्ते रखा, जरा फिट हो गया। ये मैं कह रहा हूं हमारे लिए ताज तैयार हो रहा है, तो जो तैयार हो रहा है तो अभी उपाई ना साधे फिटनेस किधर जाएगी, जो कुछ हमारे लिए हो रहा है, हमने उस ताज को हासिल करना है, और यहां पर हमें चार पुछानी करनी है, मेहनत करना है, सोना नहीं कह नहीं होनी सी, जागते ही रहिए तुम्हारी पैदी है, हमें बेदार रहना है और उसका इंतजार करना, जो कुछ हमारे पास है उसको थामे रखना है, और इन सारे हालात में ताबेदारी और फर्मा बदारी करनी है, फिर हम जिंदगी के ताज को हासिल करेंगे। और फिर आखिरी बात, मदर्स डे है तो मैं इसको भी इसके साथ ही रिलेट करना चाहता हूं। 10 अहकाम के अंदर ये हुक्म दिया गया कि तू अपने बाप और मां की इज्जत कर, यूं तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। तो ये हुक्म है, और हुक्म को हमने क्या करना है, पूरा करना है, और ऐसे ही एक दिन नहीं, हर रोज हमें मां बाप की इज्जत करनी है, ताबेदारी करनी है, फर्माबरदारी करनी है,
ताकि हमारी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। आमीन।